खबर शामिल करते हैं मोरो सिंध से, जहां पे सिंधी अल्ताफ सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ीदन की नहर में 15 साल का नौजवान डूबकर हलाक हो गया। नौजवान को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। नौजवान की लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। तफसीलात के मुताबिक बड़ीदन के करीब गजो नहर में 15 साल का नौजवान मूनवल्द नदीम अराई नहाते हुए डूब गया। बच्चे के डूबने की इत्तला पर मुकामी लोगों ने नौजवान की लाश को नहर से निकाला। डूबने वाला नौजवान मून अराई बड़ीदन की रेशम गली का रहायशी था। नौजवान की लाश को बड़ीदन की रेशम गली में मुंतकिल कर दी गई। डूबने वाले नौजवान को मिर्गी के दौरे पड़ते थे और नहाते हुए भी मिर्गी का दौरा पड़ा। नौजवान की लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। नौजवान की लाश देखकर वालदैन पर बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। कैमरामैन मोहम्मद हामिद सोमरा के साथ सिंधी अल्ताफ सोमरा मोरो से।